दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हवा हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। हम अकेले हैं फिर भी उन सब पे भारी है। हिलसा की जनता बताओ, हम 10 तारीख तक इंतजार नहीं करने वाले, आज बता दीजिए रिजल्ट क्या होगा। अरे दोनों हाथ पीछे से सब लोग उठा करके बताओ क्या होगा। यहाँ से शक्ति सिंह यादव अत्री मुन्नी नहीं लड़ रहे, यहाँ से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहा है। एक एक वोट लालटेन पे बटन दबाना है। कोई अफवाह कोई कनफुकुआ अगर कोई होशियारी करेगा तो आप लोग ठीक कर दीजिएगा। देखो 15 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, हम लोग विपक्ष में, सुनो 15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री, डबल इंजन के सरकार बा, हम सब विपक्ष में बानी 15 साल से। बताओ हिलसा की जनता, सरकार में रहना कि विपक्ष में रहना तय कर लो। अरे हाथ उठा के बोलो अगर सरकार बनाना है तो सरकार बनोगा कैसे बनेगा। भोटवा एकजुट पड़ता तनू बट जैबा तो कहां से जीती, कहां से सरकार बनेगा। आप एक मौका हमको दीजिएगा ना, एक मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा बता दीजिए। एक मौका देगा भाई, हाथ उठा के बताओ एक मौका मिली कि ना मिली। हाथ उठा के बताओ शक्ति सिंह यादव जीती कि ना जीती। देख लो नवरात्रि बा, भगवती माई सब देखा तिया तो देख रही है सब चीज। देखो हम कलश बैठाए, संकल्प लिए, हम नवरात्र में आप लोग भी संकल्प ले लिए ना। तो जब संकल्प ले लिए तो उसको पूरा करना है। अभी भी देखो 15 साल में गरीबी नहीं मिटा पाए नीतीश जी, बेरोजगारी नहीं मिटा पाए, नौकरी नहीं दे पाए, पलायन नहीं रोक पाए, शिक्षा के तो पूछो मत, पूरा चौपटे कर दिए, नाश कर दिए, अस्पताल के बदहाली हमको बताने की जरूरत नहीं। आप लोग तो भुक्तभोगी हैं, दवा नहीं मिलता है। तो बात यह है कि बिहार के लोग बड़े तादाद में पलायन कर रहे हैं, नीतीश कुमार पलायन नहीं रोके बल्कि पलायन को और बढ़ा दिए, गरीबी को और बढ़ा दिए। अच्छा पढ़ाई लिखाई करना है तो दूसरे राज चले जाओ, इलाज करवाना है तो दूसरा राज चले जाओ, रोजी रोटी नौकरी चाहिए चाहे मजदूरी के हो तो बाहर चल जाओ। अब नीतीश जी कहते रहे, सुनो नीतीश जी कहते रहे, नीतीश जी अरे सुन लो गला बैठा। नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में समुंदर नहीं ना है, समुंदर रहता है तो बड़ा बड़ा कारखाना लगता है। हम पूछना चाहते हैं कि लालू जी रेल मंत्री थे तो बिहार में तो समुंदर नहीं था, तो छपरा में कारखाना रेलवे के परसा के पहिया खाना कैसे लग गया, मधेपुरा में कारखाना कैसे लग गया। अब पहले समुंदर था का भैया बताओ, तो शुगर मिल नहीं था बंद हो गया, पेपर मिल नहीं था बंद हो गया, जूट मिल नहीं था बंद हो गया, ये बोलते समुंदर नहीं। बात असल ये है कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। अरे बताओ नालंदा की जनता, हिलसा की जनता, बताओ नीतीश जी थक गए कि नहीं थक गए।
बता मजदूर सब 40 लाख से भी ज्यादा लोग आया बाहर से, तो नीतीश जी कहते हैं कि जो जाए वहीं रहो। अरे नीतीश जी, जो जा है वहीं रहना चाहता है। अगर आप पलायन रोकते तो, आप बिहार में रोजगार देते तो, आप अच्छी शिक्षा देते तो, आप अच्छा अस्पताल देते तो बिहार का पैसा बिहार में रहता है कि नहीं? कोई गलत बात बोले तो हमको ठोक दीजिए। बहुत हो गया जात की राजनीति, बहुत हो गया धर्म की राजनीति। आप केवल काम की बात होनी चाहिए, मुद्दे की बात होनी चाहिए, नौजवान किसान मजदूर की बात होनी चाहिए, कारखाने की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, बिजली की बात होनी चाहिए, पानी की बात होनी चाहिए, है कि नहीं? तो सब लोग एकजुट रहिएगा तन। हाँ, और देखो हम संकल्प लिए भाई, हमको एक मौका मिलेगा हम फिर से पूछ रहे हैं, बोलिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाथ उठा के बोलिए। जब मिलेगा तो तेजस्वी ने संकल्प लिया है, देश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री रहते हुए अगर मेरा पहला कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे, 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी देंगे, चाहे वो कोई जात के हो, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। बात को समझिए, इसलिए फॉर्म भरोगे नौकरी के लिए तो पैसा लगता है, कितना? 500, 100, 700 फ्री कर देंगे हम, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो परीक्षा केंद्र जावे तो भाड़ा लगेगा, भाड़ा माफ कर देंगे। और बात समझिए, कृषि ऋण माफ करेंगे, बिजली का उत्पादन बिहार सरकार नहीं करती है, खरीदती है दुगुना रेट में बेचती है, बिचौलिए का काम करती है। हम अपना उत्पादन बिहार सरकार खुद करेगी, इससे आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा। तो देखो भाई, बात समझना है, काम बहुत करना है कि नहीं? अरे जो 10 लाख रोजगार का जो बात कर रहे हैं, इस सरकारी नौकरी है। नीतीश जी बोलते पैसा कहाँ से आएगा? अरे 15 साल अनुभवी मुख्यमंत्री, बताओ बिहार का कुल बजट है 2,13,000 करोड़, कितना? 2,13,000 करोड़। बिहार सरकार अभी पैसा खर्च करती है 60%, यानी 40% बजट का पैसा नहीं खर्च कर पाती, तो 2,13,000 करोड़ का 40% होता है 80,000 करोड़, और 4.5 लाख तो बजट में है ये है, और जो 80,000 करोड़ पैसा नहीं खर्च कर पाता उससे हम सबको सैलरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे? बताओ, इतनी मामूली सी बात, 10 लाख रोजगार, 4.5 तो शिक्षा विभाग में खाली है, स्वास्थ्य विभाग में खाली है, 60% जूनियर इंजीनियर का बहाली खाली है, आप देखिएगा दरोगा जी के खाली है, सिपाही जी के खाली है, मार धांधली हो रहा है, मार लाठी मारा जा रहा, 5 साल से परीक्षा का रिजल्ट नहीं आ रहा है। जितना बुजुर्ग लोग हैं, पूछो अपने मम्मी पापा से, पेट काट के बाल बच्चा के पढ़ाई ले कि हमार लड़का पढ़ लिख ली तो बुढ़ापा के सहारा बन जाए। आप बताओ, नौजवान को खुदे ठिकाना नहीं है, खुदे ठिकाना नहीं, माँ बाप के कैसे देखेगा, शादी ब्याह कैसे होगा? तो भाई देखो, सरकारी नौकरी मिलेगा तो अच्छा घर में शादियों हो जाएगा। हम लोग ठेठ बिहारी हैं, और ठेठ बिहारी जो कहता है वो करता है, बुझा था कि ना रहुआ लोग इनके, तो पूरा आशीर्वाद दी। अब देख, हम ज्यादा ना बोले, ढेर जगह जाए के बा, लेकिन एक बात हम जरूर कहते नहीं, लालू जी के एगो में बेल हो गए बा,
अब आखिरी बचल बा 9 नवंबर के बाटे। कब बाटे? तो यानी 9 नवंबर को लालू जी के रिहाई होता और 9 नवंबर के हमारा जन्मदिन बाटे। हमार जन्मदिन के दिन लालू जी के रिहाई होई और 10 तारीख के नीतीश जी के विदाई होई। आप हमारी जिम्मेदारी है, किसी को हम छोड़ेंगे, सबके साथ लेके चलेंगे। हाँ तो ठीक ना, तो करे के बा, लड़े के बा और जीते के बा। मेरे साथ नारा लगाई, देखा दंगा फसाद वाला सबसे बच के रहा। बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा है? बेरोजगारी से बड़ा कोई आतंक है? तो इसलिए बोलो नारा लगाओ सब, हिंसा की जनता जिंदाबाद, 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 नालंदा की जनता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हिंसा की जनता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की अनुमति हो, आवाशक्ति जी आप लोगों की अनुमति तो विजय का माला पहना दे। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, पहना दे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।